So today's topic is liver. तो खड़े हो, इसलिए मैंने आगे बुलाया था, लास्ट में पूछता हूँ आगे वालों को। खड़े हो जाओ, हाँ बताओ, what do you know about liver? बॉडी के किस पार्ट में होता है लीवर? साइड में होता है, किस साइड में होता है? राइट साइड, वेरी गुड। राइट साइड में कहाँ पे होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो लीवर कहाँ पे होता है? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। कहाँ पे है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम? थर्ड नंबर बताओ, किस जगह है आपके, अपने बताओ किस जगह है लीवर आपका? ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके जो सीनियर्स है ना, वो ये बता नहीं पाते और फेल हो जाते हैं। फिर एग्जाम में जब वाइवा होता है ना, तो पूछते हैं लीवर किस साइड में है, तो उनको ये नहीं पता होता। कोई कहता पेल्विस में, कोई कहता है सब लंबर रीजन में, इसलिए ये पूछा है। इट लुक्स टू बी वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में आप जो है ना 50% ये ही नहीं बता पाते। तो लीवर इज सिचुएटेड इन दी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। सो टुडेज टॉपिक इज एनाटॉमी ऑफ द लीवर एंड फिजियोलॉजी। सो लीवर इज दी लार्जेस्ट एब्डोमेन विसरा। जितने भी एब्डोमेन विसरा है अपनी बॉडी में, उसमें लार्जेस्ट है लीवर। एंड इट हैज वेरी, इट परफॉर्म्स वाइड रेंज ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो इसका फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नाउ इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ हेपेटोसाइट्स, तो विच आर एपिथेलियल सेल्स। सो लिवर इज कंपोज्ड ऑफ हेपेटोसाइट्स, ठीक है। एंड दीज आर बाथेड इन ब्लड ड्राइवर फ्रॉम द हेपेटिक पोर्टल वेन्स एंड हेपेटिक आर्टरीज। लिवर लाइज इन दी राइट अपर पार्ट ऑफ दी एब्डोमन एंड इट ऑक्यूपाइज मोस्ट ऑफ दी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड सम पार्ट ऑफ दी एपिगेस्ट्रियम। 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द लिवर कौन बताएगा? एब्डोमन। नेक्स्ट, खड़े हो, नेक्स्ट। अभी जो खड़े हुई थी उसके बाद जो नेक्स्ट वाली है कौन कौन है? हाँ बताओ। 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमन, और सो द 9 क्वाड्रेंट्स ऑफ द एब्डोमन आर the left hypochondrium, right hypochondrium, left lumbar, right lumbar, left leg, right leg, epigastrium, umbilical and hypogastrium. How will you divide it? कैसे divide करते हैं? ठीक है, तो देर आर टू वर्टिकल एंड टू हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइन होगी वो बेस्ट पैरामीटर लाइन के पास में होगी, और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिट तक, प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिट पे कॉर्ड करेगी। प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिट पे कैसे चलेगी? टेढ़ी होती है वो लाइन, वहां से शुरू होकर यू जाएगी। तो कौन बताएगा, कौन बताएगा 9 क्वाड्रेंट्स में हाउ विल यू डिवाइड? बताओ कौन बताएगा? कोई भी नहीं है। सो दी वर्टिक, देर आर टू वर्टिकल लाइन, ठीक है,
स्टार्ट फ्रॉम दी मिडिल ऑफ दी क्लेविकल, मिड क्लेविकुलर पॉइंट, क्लेविकल यह है यहाँ का जो मिड पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट हुई, गोज डाउनवर्ड टू दी मिड इंक्वाइनल पॉइंट. व्हाट इज मिड इंक्वाइनल पॉइंट? मिड इंक्वाइनल पॉइंट इज दी पॉइंट विच लाइज बिटवीन द लाइन फ्रॉम क्यूबिक सिम्फाइसिस टू दी एंटीरियर सुपीरियर लेवल. ठीक है, तो ये नीचे आ गई, ये क्यूबिक सिम्फाइसिस, एंटीरियर सुपीरियर लाइन स्पाइन नीचे आ गई, यहाँ पे आ गई सेम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन. अपर हॉरिजॉन्टल लाइन एट द लेवल ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज का जो लोअर बॉर्डर है वहां से स्टार्ट हुई. ठीक है, वहां से स्टार्ट हुई और जो लोअर वाली जो लाइन है वो कहां पे हुई? खड़े हो, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलाइट क्रेस्ट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द इलाइट क्रेस्ट. इलाइट क्रेस्ट कौन सा पार्ट है अपनी बॉडी का? ये वाला पार्ट इलाइट क्रेस्ट है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये होगा. यहाँ से स्टार्ट हुई, ये इलाइट क्रेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट हुई, हो गया ये सेकंड पॉइंट. ठीक है ना, तो ये लाइन से डिवाइड करती है एब्डोमेन. सो दी इन एडल्ट दी लिवर वेज 2% ऑफ दी बॉडी मास. क्वाड्रेंट आ गए ना फ्रेंड में लाइन. हाँ भाई, तेरे को अच्छी आ रही है, खड़ा हो, खड़े हो जाओ. अरे हाँ हाँ, तेरे को पता है, तेरे से बात कर रहा हूँ, खड़ा हो जाओ. ऐसे मत करा करेगा, जो बात कर रहा है उसे पता होता है कि मैं कहाँ भाई, क्या नाम है ये जरा. या तो इसको पहन लिया कर यार, थोड़ा बहुत तो रख दो इसको, एप्रन है ये. हाँ बताओ बताओ, नाइन वो लाइन्स बताओ. हाउ यू डिवाइड एब्डोमेन इनटू नाइन क्वाड्रेंट्स, उधर बताओ सबको. राइट आई तो बोल रहे हो, नहीं कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, हाउ यू डिवाइड? दो तो वर्टिकल लाइन होती है जो मिड क्लेविकल से स्टार्ट करते हैं और क्यूबिक सिम्फाइसिस और एसिस के मिड पॉइंट पर. वेरी गुड वेरी गुड. और सर दो ओरिजेंटल होती है जो उधर उधर बताओ. तो दो ओरिजेंटल होती है जिसमें एक तो सर सर एसिस से दोनों एसिस को ज्वाइन करती है. किसको? एसिस एंटरोस्पेरियल लाइक स्पाइन से जाती है ओरिजेंटल. अभी अभी तो बताया था यार, क्लास में ध्यान देगा ना तो घर जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही बैठ जा. चल, सो एक दी लिवर वेज 2% ऑफ दी बॉडी वेट. नाउ दी लिवर इज, लिवर इज ए कैप्सूल, लिवर के चारों तरफ कैप्सूल होता है, उसको कहते हैं लिवर कैप्सूल. सो इट मेंटेन्स दी इंटीग्रिटी ऑफ दी इंटीग्रिटी ऑफ इट्स शेप एंड इट सपोर्ट. वंस दी कैप्सूल इज लैसिरेटेड दी लिवर टिश्यू इज कैन बी इजिली पार्टेड. मतलब लिवर कैप्सूल उसको बांध के रखता है उसके लिवर को. ठीक है, इट मेंटेन्स दी इंटीग्रिटी. नाउ दी लिवर इज वेरी प्रोन टू द ट्रॉमा. जैसे पेशेंट कोई भी है उसको आरटीए हुआ, ठीक है ना, तो लिवर इज वन ऑफ द ऑर्गन विच इज वेरी प्रोन टू गेट इंजर्ड. नाउ द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द लिवर. सो द लिवर इज अटैच टू द एंटीरियर एब्रल वॉल, डायफ्राम एंड अदर विसराल बाय द सेवरल लिगामेंट्स. दीज आर फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ द पेरिटोनियम. सो द लिगामेंट्स आर फॉर्म बाय द पेरिटोनियम. पेरिटोनियम तो कंडेंसेशन हो गया तो लिगामेंट बन गया.
So these are the different ligaments which are falciform ligament, coronary ligament, triangular ligaments and lesser omentum. So these are the ligaments of the liver. Now these are the these diagrams, they are showing the liver if from superior, inferior, front and back view. So as you can see, the liver has two lobes, left and right lobe, and in between the lobe there is falciform ligament. So this is the यहाँ पे वो है क्या पॉइंटर नहीं है पॉइंटर नहीं सो दिस इज दी फैल्सिफॉर्म लिवर ये लेफ्ट लोब हो गया लिवर का ये राइट लोब ठीक है ना दिस इज दी गॉल ब्लैडर ये फ्रंट से आप देख रहे हो तो आपको लिवर ऐसा ये पिक्चर नहीं दिस इज दी गॉल ब्लैडर तो गॉल ब्लैडर कहाँ पे अटैच है राइट लोब से वेरी गुड और इन्फीरियर नीचे दिख रहा है ना तो राइट लोब से अटैच है गॉल ब्लैडर और उसके इन्फीरियर सरफेस से ये अपने और ये है इन्फीरियर वीना केवल आईवीसी ठीक है आईवीसी लिवर के इधर से जा रही है और बाहर निकल जा रही है ये भी राइट लोब से ठीक है राइट लोब से दिख रहा है ये है इसका पोस्टीरियर लिवर का पीछे से अगर लिवर को देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ठीक है तो आईबीसी दिख गई बेयर एरिया से अपन आगे पढ़ेंगे ठीक है फिर ट्राइंगुलर लिगामेंट ठीक है दीज आर दी ट्राइंगुलर लिगामेंट ये लिवर का ट्राइंगुलर लिगामेंट बन रहा है ना लिगामेंट ठीक है ना ये ट्राइंगुलर लिगामेंट हो गया तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया ट्राइंगुलर लिगामेंट हो गया फिर ये इसका पोस्टीरियर इधर आ गया ये ठीक है ना तो ये है पोर्टा हिपेटो तो अभी अपन पढ़ेंगे पोर्टा हिपेटिस और एक है ये कोरोनरी लिगामेंट तो पोस्टीरियरली है कोरोनरी लिगामेंट ये इसका फ्रंट हो गया ये ऊपर सुपीरियर हो गया और ये बैक पीछे से कैसा दिख रहा है वो ये ठीक है ना तो कोरोनरी लिगामेंट लिवर के पोस्टीरियर सर्किल ठीक है ना तो दीज आर द डिफरेंट लिगामेंट तो फैल्सिफॉर्म लिगामेंट हो गया ट्राइंगुलर लिगामेंट हो गए और कोरोनरी लिगामेंट हो गया और ये होता है लेसर ओमेंटम समझ में आ रहा है ट्राइंगुलर लिगामेंट्स ऑफ द लिवर नाउ पोर्टा हिपेटिस तो तुम्हारी वार्ड पोस्टिंग हो गई वार्ड पोस्टिंग से स्टार्ट हो गई क्या सर्जरी में ओटी में कौन कौन गया है कोई गया है ओटी में अभी तक हमारी यूनिट में कौन है पोस्टेड अपनी यूनिट में नहीं है वो एड जो आती है लड़की अच्छा वो तो इंटरन है तो ओटी में जाओगे ना तो लेफ्ट कोली वहां पे फ्रिक्वेंटली देखोगे तो वहां पे तुमको वर्ड सुनाई देगा जैसे लेफ्ट कोली कर दो ना सर्जन तो तुमको लगेगा पोर्टा हिपेटिस ठीक है तो व्हाट इज पोर्टा हिपेटिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर सो द पोर्टा हिपेटिस इज द एरिया ऑन द इंफीरियर सरफेस थ्रू विच All the neurovascular and biliary structures, except the hepatic veins, they enter and leave the liver. The porta hepatis क्या है? What is porta hepatis? It is on the inferior border of the liver, inferior border पे है. And all the major vascular, neurovascular and biliary structures. They will pass through the porta hepatis. Either they enter the liver or they leave the liver. Okay? It is situated between the caudate lobe in front and caudate lobe, caudate process behind.
तो क्वाड्रेट लोब और क्वाड्रेट लोब के बीच में है, ठीक है। एक्सेप्ट द हिपेटिक वेन्स, दे डू नॉट एंटर इन द पोर्टा हिपेटिस एंड ऑल दीज स्ट्रक्चर दे आर एनवेलप्ड इन द पेरिवैस्कुलर फाइब्रस कैप्सूल। सो ऑल द स्ट्रक्चर विच आर एंड प्रेजेंट इन द पोर्टा हिपेटिस दे आर सराउंडेड बाई पेरिवैस्कुलर फाइब्रस कैप्सूल एंड दिस इज नोन एज कैप्सूल ऑफ ग्लिसन। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोर्टा हिपेटिस। तो पोर्टा हिपेटिस में क्या क्या दिखेगा, ऑल दी स्ट्रक्चर्स आया ना, इसमें सारे स्ट्रक्चर दिखेंगे एक्सेप्ट द हिपेटिक वेन। हाँ भाई, क्या क्या स्ट्रक्चर होने चाहिए फिर पोर्टा हिपेटिस में, सामने में कोई आदमी देख लो। भाई लिवर के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जाएंगे और कौन कौन से बाहर निकलेंगे? हाँ, तो कौन कौन सी? तो हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांच हो गई, राइट एंड लेफ्ट। पोर्टल वेन जाएगी तो पोर्टल वेन हो गई, राइट एंड लेफ्ट। फिर डक्ट्स भी जाएंगी, तो कौन कौन सी डक्ट्स हो गई? वेरी गुड। और सो दीज आर द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द पोर्टा हिपेटिस, ठीक है। लिम्फेटिक्स, नर्व्स, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन एंड हेपेटिक डक्ट। नाउ द लिवर हैज फोर लोब्स और एट सेगमेंट्स, दीज आर दी फोर लोब्स ऑफ द लिवर, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब एंड क्वाड्रेट लोब। सो द लार्जेस्ट ऑफ ऑल लोब्स इज राइट लोब। क्वाड्रेट लोब कैन बी सीन ओनली फ्रॉम द इंफीरियर सरफेस, इट इज फंक्शनली इट इज रिलेटेड टू द लेफ्ट लोब। तो ये लेफ्ट लोब का ही एक अपन पार्ट मानते हैं क्वाड्रेट लोब। क्वाड्रेट लोब इट दिस इज सेड टू अराइज फ्रॉम द राइट लोब बट इट इज सेपरेट, सो दिस इज ए सेपरेट, फंक्शनली इट इज ए सेपरेट एंटिटी क्वाड्रेट लोब एंड देन द लेफ्ट लोब। नाउ द लिवर कैन बी divided into eight segments and the liver was divided into these eight segments by scientist Cournot and so these are known as Cournot segments. So these eight segments they are known as Cournot segments. So what are these eight segments? It's very easy. सो फर्स्ट इज दी क्वाड्रेट लोब। सो क्वाड्रेट लोब इज अ सेपरेट एंटिटी और यहां पे प्रेजेंट होता है क्वाड्रेट लोब, तो उसको कहते हैं अपन फर्स्ट सेगमेंट। फर्स्ट सेगमेंट आ गया, फिर ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, दिस इज दी सेकेंड लोब। तो लेफ्ट लोब को दो में डिवाइड होगा, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। आगे समझ में, फिर क्या आएगा फोर्थ। तो जो गॉल ब्लैडर जाते हैं टेस्ट वो हो गए लोब फोर्थ। तो फोर्थ लोब कौन से उसमें आया, फोर्थ सेगमेंट कौन से लोब में आया? राइट, राइट में, राइट लोब में आया ना फोर्थ सेगमेंट, तो ये फोर्थ सेगमेंट हो गया। फिर लिवर का ये वाला पार्ट आ गया, तो फिफ्थ एंटीरियर वाला। फिर उसके पीछे जो है वो है सिक्स्थ,
पोस्टीरियर है सिक्स और सेवन्थ भी पोस्टीरियर है और फिर एट्थ आ गया, आगे समझ में एट सेगमेंट। लेफ्ट लोब में पहले तो कॉर्डेट लोब हो गया, फिर लेफ्ट लोब से स्टार्ट किया सेकेंड थर्ड, फिर राइट लोब पे आ गए तो फोर्थ सेगमेंट हो गया, फिर फिफ्थ उसके पीछे सिक्स, फिफ्थ के पीछे फिर फिफ्थ सिक्स, फिर जो सुपीरियर गया पर ये तो नीचे का हो गया, फिर ऊपर बैक में जो है वो है सेवन, फिर आगे वाला आगे सर में फिफ्थ सिक्स फिर सेवन और एट। तो सिक्स और सेवन जो लो सेगमेंट है वो कहाँ पे है, वो पीछे है, वो पोस्टीरियर है और ये फ्रंट में फिफ्थ और एट। आगे सर में एट सेगमेंट, हाउ विल यू डिवाइड लिवर इनटू एट सेगमेंट्स, ठीक है, दीज आर नोन एज क्रूडर सेगमेंट्स। ये देखो पीछे से देखो आप, तो पीछे से आपने देखा ना, तो ये लो सिक्स और सेवन से पोस्टीरियरली प्रेजेंट, सो दीज आर दी एट सेगमेंट्स ऑफ द लिवर। So, and these segments are very important segments. Liver is divided by the principal plane into two halves of approximately equal size, two more segments. So, approximately, they are equal, all these segments. Now, the principal plane is defined by an imaginary parasagittal line from the gallbladder anteriorly to the IVC posteriorly. The functional division of the liver into right and left lobes lies along this plane. So, iska kya matlab hua? Aage diagram hai kya? इसका क्या मतलब हुआ? सो द लिवर इज डिवाइडेड एनाटॉमिकली, एनाटॉमिकली इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब बाय द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, दिस इज एनाटॉमिकल डिवीजन, ये एनाटॉमिकल डिवीजन है लिवर का। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट विल डिवाइड द लिवर इनटू लेफ्ट लोब एंड राइट लोब एंड फंक्शनल डिवीजन इज डिफरेंट। फंक्शनली द लिवर इज डिवाइडेड इंटू लेफ्ट लोब एंड राइट लोब बाय एन इमेजिनरी लाइन विच पासेज फ्रॉम गॉलब्लैडर टू द इंफीरियर। तो ये लाइन अपन ने जब इसको पास किया, ये लाइन दिखी ना, तो ये लेफ्ट लोब ये हुआ फिर फंक्शनली और राइट लोब। आगे समझ में, तो लेफ्ट लोब में सेकेंड थर्ड और फोर्थ और टू नोट से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सेगमेंट हो गए, फंक्शनल जो डिवीजन है लिवर का वो हो रहा है ना, एंड फिफ्थ सिक्स सेवन एट सेगमेंट दे आर इन द राइट लोब। सो फंक्शनली इट इज डिवाइडेड by line, imaginary line which passes from gallbladder to the IVC. And each segment of the liver, eight segments, each segment has its own blood supply. The portal vein है और hepatic artery है, blood supply क्या है liver की, portal vein and hepatic artery। तो वो हर सेगमेंट की सेपरेट ब्रांच है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी सेपरेट ब्रांच है तो क्या सिग्निफिकेंस हुआ? सिग्निफिकेंस ये है कि व्हेन यू डू द हेपेटेक्टमी, आप एक सेगमेंट निकालना है तो वो निकाल सकते हो क्योंकि उसकी सेपरेट ब्लड सप्लाई है, इजी उसको निकाल सकते हो। तो अदर सेगमेंट्स की ब्लड सप्लाई एम्पल नहीं, हर सेगमेंट की अपनी
सेपरेट इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई है तो डूडिंग भी हिपरेक्टमी, जैसे एक सेगमेंट सेगमेंटेक्टमी जैसे अपन कहते हैं, कोई सेगमेंट अपन को निकालता है आप उसको एक सेगमेंट निकाल सकते हो। सो द सेगमेंट फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम द फंक्शनल लेफ्ट लोब एंड फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट फ्रॉम द फंक्शनल राइट लोब। सेगमेंट फोर्थ इज द क्वाड्रेट लोब, ठीक है। नाउ द वैस्कुलर सप्लाई ऑफ द लोअर वेन सबको पता ही है, पोर्टल वेन एंड हेपेटिक आर्टरी। मोस्ट ऑफ दी पार्ट इज सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन, नाउ पोर्टल वेन। सो द पोर्टल वेन इट सप्लाइज अराउंड 75 to 80% ऑफ द, इट मेक्स 75 to 80% ऑफ द वैस्कुलर सप्लाई टू द लिवर and it is formed by superior mesenteric vein and splenic vein. ये pancreas है, ठीक है। तो splenic vein और superior mesenteric vein ये दोनों मिलकर portal vein बनाते हैं। At the level of L2, L2 level पे portal vein बनती है behind the head of pancreas, ठीक है। तो पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन इन द स्प्लेनिक वेन एट द लेवल ऑफ L2 बिहाइंड द हेड ऑफ पैनक्रियास। इट गिव्स राइज टू सेप्टल वेन्स, पोर्टल वेन से सेप्टल वेन्स बनी एंड देन द वेन्स एंटर इनटू द फ्रॉम द सेप्टल वेन्स एंटर इनटू द साइनोसोइड्स बिटवीन द हेपेटोसाइट्स। तो अपने देखा था ना हेपेटोसाइट्स दे बेस इन द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड जो है वो कहां पे है लिवर में, साइनोसोइड्स में, ठीक है। आर दी डिफरेंट सेल्स ऑफ द लेयर, हेपेटोसाइट्स, कुफर सेल्स, बाइल सेल्स, देन हेपेटिक आर्टरी ये बताइए, रिमेनिंग 20 to 25% ऑफ द ब्लड सप्लाई इज इट इज सप्लाइड बाय द हेपेटिक आर्टरी। कॉमन हेपेटिक आर्टरी इट एराइजेस फ्रॉम द सीलिक ट्रंक, देन इट एसेंड्स इन द हिपेटोडुडेनल लिगामेंट एंड गिव राइज टू द राइट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोडुडेनल एंड प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। तो कॉमन हेपेटिक आर्टरी उसकी तीन ब्रांचेस होगी, राइट गैस्ट्रिक, गैस्ट्रोडुडेनल एंड प्रॉपर हेपेटिक। द प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी देन डिवाइड्स इन टू राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक ब्रांचेस। There may be some variations, anatomical variations. First is the right artery of which arises from the superior mesenteric artery. Sometimes the hepatic artery is not present and it is replaced by the artery from the superior mesenteric artery. तो वो ठीक है इतना। नाउ दी वीनस सिस्टम, तो आर्टीरियल सिस्टम हो गया लिवर का, सप्लाइड बाय टू आर्टरीज, टू स्ट्रक्चर्स, पोर्टल वेन एंड दी हेपेटिक आर्टरी। नाउ दी वेन्स, हेपेटिक वेन्स दे ड्रेन ब्लड फ्रॉम द लिवर इनटू द आईवीसी। द राइट हेपेटिक वेन इट ड्रेन्स सेगमेंट
फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एंड एट एंड लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी देन्स सेकंड थर्ड एंड सम पार्ट ऑफ सम ड्रेनेज फ्रॉम सेगमेंट फोर्थ हिपेटिक वेव्स है नो वॉल्व्स. सो दीज आर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेनस सिस्टम ऑफ द लिवर. मिडिल हेपेटिक वेन, लेफ्ट हेपेटिक वेन एंड राइट हेपेटिक वेन. ठीक है ना, तो ये तीन मेजर वेन्स है. लेफ्ट हेपेटिक वेन इसमें देख लो सेकेंड थर्ड और फोर्थ, राइट हेपेटिक वेन एंड देन मिडिल हेपेटिक वेन. ठीक है, तो हेपेटिक आर्टरी तो राइट एंड लेफ्ट है, पोर्टल वेन जो है वो भी राइट एंड लेफ्ट है, लेकिन वेन्स में लेफ्ट हेपेटिक वेन है, मिडिल हेपेटिक वेन है और राइट हेपेटिक वेन है. दिस इज दी नर्व सप्लाई. हेपेटिक नर्व्स अराइज फ्रॉम हेपेटिक प्लेक्सस एंड दे कंटेन बोथ द सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स. दे एंटर एट द लेवल ऑफ पोर्टल हेपेटस एंड accompany the hepatic arteries and bile ducts. What is portal hepatitis? Portal hepatitis क्या है बताओ सब. हो जाता हो जाता वहीं से मना कर देता, यहां क्यों आया फिर. इसको आता है बताया इंफीरियर पार्ट जो होता है लेवर का वो होता है पोर्टल हेपेटिस और उसमें पोर्टल वेन होती है दो. और बताओ बता. हेपेटिक आर्टरी होती है दो, डक्ट होती है दो. चलो ठीक है, पर इतना बता पा रहा है तो मतलब ठीक है, सही लोगों को समझ में आ रहा होगा. जब ये इतना बता रहा है तो मतलब ठीक है. नाउ द बेयर एरिया, देखो इनर्वेशन ये हो गया. So whenever there is a supply, the capsule is supplied by the lower intercostal nerves. Nerve supply origin is क्या. तो बेल nerve supply है इसकी hepatic nerves and intercostal nerves. ठीक है, तो hepatic nerves हो गए, तो एक supply से parenchyma, ये भी port hepatitis को prevent होती है ना. They enter the liver at the port hepatis, ठीक है, hepatic nerves. फिर है lower intercostal nerves, ठीक है, they supply the parietal peritoneum. तो hepatic parenchyma को तो hepatic nerve ने supply किया और parietal peritoneum को lower intercostal nerves, ठीक है. So whenever there is distension or disruption of the liver capsule, there will be well localized sharp pain. ठीक है, तो due to the supply by the intercostal nerves. Hepatic plexus हो गया, ये पढ़ी लोगों तुम सब. Referred pain. The pain arising from the parenchyma of the liver is poorly localized and the pain is referred to the epigastrium. The liver pain is referred to the epigastrium. And whenever there is involvement of the capsule, it produces well localized pain of somatic nature. Because of the involvement of the intercostal nerves.
So this is the functional anatomy of the liver. Hepatocytes, they are hexagonal in shape. So this is the diagram. इसमें हेपेटोसाइट्स दीज आर द डिफरेंट उधर क्या लिखा हुआ है ओटल फाइल. सो तीन स्ट्रक्चर्स हैं ये पोर्टल फाइल बनाते हैं विच इज दी बाइडक हिपेटिक आर्टियल पोर्टल पे. ठीक है, ये तीनों मिलके पोर्टल साइट बनाते हैं. इनकी ब्रांचेज आएंगी तो हर हिपेटोसाइट्स में ये ट्राइड एक ही ब्रांच जाएंगी तो दूसरी की पोर्टल. और जो हिपेटिक वेन्स हैं दे लाई इस बिटवीन दी आगे आएगा डायग्राम दे डू नो दे लाई बिटवीन दी हिपेटोसाइट्स. हिपेटोसाइट्स के बीच में तो वेन्स है और हिपेटोसाइट्स में अंदर जो जा रही है वो है पोर्टल ट्रैक. ठीक है, तो इस तरह से डिवीजन होता है लिवर का. फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द लिवर. सो Between the plates are venous sinusoids. ठीक है, बताइए. These hepatocytes they are arranged in plates or cords, and between them is the venous sinusoids, which elastomers with each other by gaps in the hepatocyte planes. And bile is secreted by the hepatocytes is collected into canaliculi. ठीक है, तो hepatocytes से bile secreted होता है. Bile का formation कहाँ पे होता है? Liver में. तो बाइल का फॉर्मेशन तो होता है लिवर में और स्टोर कहां पे होता है? गॉल ब्लैडर में. वेरी गुड. तो बाइल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है हेपेटोसाइट से. तो वहां से बाइल डक्ट में चला गया बाइल डक्ट में. दी आर द डिफरेंशियल से तुमको पता ही सबको. दी आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द लिवर. ठीक है, ये तुमको पता ही है, पढ़ाना थोड़ी है, पता ही है तुमको. डिटॉक्सिफिकेशन, सिंथेसिस. ठीक है, चलो. नाउ बाइल. तो बाइल इज अराउंड अच्छा ठीक है, एक मिनट. तो अराउंड लिवर सीक्रेट सीक्रेट अराउंड 500 ml ऑफ द बाइल डेली. ठीक है, ये कई बार तुमसे बाइल में पूछ लेता है. ठीक है, तो बाइल 24 आवर्स में कितना बनता है? अराउंड 500 ml. ठीक है, चलो ठीक है. ठीक, जो पढ़ाया ना वो